कॉम्पलन का नाम सुना है? हाँ तो पीना, हाइट बाइट बड़ा। ए, नीचे उतर। नीचे उतर। अब बोल। कुछ नहीं। रिश्वत ले लो पर सेटिंग करवा दो। भाई कल 12th का एग्जाम है मेरा। हैं? 12th का? हाँ भाई। अबे साले बहुत आसान होता है, मैंने खुद 4 बार दिया। देखना एक दिन हमारे दोस्तों के लिए ये गाना बजेगा। मर गया मादर। आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं। यू कपड़ा कहाँ हुए? लत्ता कैमेन। यार जब तुम लड़कियां बोर होती हो तो क्या करती हो? किसी लड़के को रिप्लाई कर देते हैं। ओए बेस्टी, अगर तेरे को कोई कुत्ती कमीनी घटिया इंसान बोले तो तू टेंशन मत लेना, सैड भी मत होना, बस हिम्मत करके कुर्सी पर बैठकर ये सोचना कि साला इसको कैसे पता चला। मन तो करता है कि दोस्तों पर पूरी किताब लिख दूं, लेकिन यार मम्मी ने गाली देने से मना किया। आज मैंने अपने दिल से पूछा कि प्यार क्या है, तो उसने जवाब दिया कि मेरा काम है खून सप्लाई करने का, मेरे से फालतू की बकचोदी मत करा कर। तुम बस हाथ थामे रखना, साथ निभाने की जिम्मेदारी मेरी। मेरी आधी टेंशन तो तभी खत्म हो जाती है जब तू कहती है टेंशन मत लो यार, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हर कोई दूर जा रहा है यार, सोच रहा हूँ सच बोलना छोड़ दूँ। अरे अकेला खुश हूँ दोस्त, नहीं चाहिए किसी का सहारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। आपको क्या लगता है हमें इग्नोर किया जा रहा है और हमें मालूम नहीं? हम खुद 100 लोगों को इग्नोर करके एक आपसे बात करने आते हैं। आप जो खेल खेल रहे हैं ना, उसमें हम माहिर हैं। ध्यान रहे। मैं करूं बात तो बात हो जाती है, वरना सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। जब प्यार नहीं था तो क्यों मेरे फोटो पर नाइस पिक डियर कमेंट करा था? यार वो लड़का देख कितना हैंडसम है। अबे तेरी शादी के दिन तो ऐसी हरकतें बंद कर दे। जब इश्क की बीमारी लगती है तो बिना मेकअप वाली भी प्यारी लगती है। पूरा मूड का माँ बहन एक हो जाता है जब इतना सस्ता वर्ग के किसी शादी ब्याह में जाते हो और एक भी छिरने वाला लाइन मारने वाला ढंग का लड़का नहीं मिलता है। 10,000 का शादी, 5,000 का मेकअप पार्लर का खर्चा सब गया पानी में। शक्ल तो ऊपर वाले ने ऐसी बनाई है मेरी कि किसी को क्रश तो गया तरस भी ना आता। नो साजा बहुत उदास कहला, ऐसे ही हमारा मर्जी। यार अगर कोई लड़का सच्चे प्यार की तलाश में रोज इंस्टाग्राम चला रहा है तो यार तुम लोगों को मैं नहीं दिखती क्या? अगर कभी तेरा ब्रेकअप हो जाए ना तो तुझे रोने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो मुझे भी प्रपोज कर सकता है। मुझे सर्दियाँ इसलिए भी पसंद है क्योंकि उसमें नहाना नहीं पड़ता। इंस्टाग्राम की लत मुझे ऐसी लगी कि व्हाट्सएप अब मुझे बेवफा कहने लगा है। उसने छोड़ दिया तो क्या हुआ, उसको बेवफा मत कहो, मेरी कामयाबी की वजह है वो। अरे अंकल। और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? फालतू बात नहीं। हमारा रुतबा ही ऐसा है जनाब, अच्छे लोग आप और बुरे लोग बाप कहते हैं।
मैं दुनिया का कोना कोना घूमना चाहता हूँ। तो दुनिया का कोना कोना नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया गोल है। मेरी वाली जो है ना वो भी थोड़ी अलग है, आती मेरी कंधे तक नहीं है और धमकी सीधा मुंह तोड़ने की। बहुत दुख होता है जब 2 दिन की छुट्टी के बाद फिर से स्कूल जाना पड़ता है। मुझे किसी से उम्मीद नहीं ना कोई मुझसे उम्मीद रखे। मुझे किसी से उम्मीद नहीं ना कोई मुझसे उम्मीद रखे। मुझे खुद पर यकीन है, आप भी खुद पर यकीन रखें। अरे बुरा वक्त देख के साथ छोड़ने वालों, अब शर्मिंदा रहो। मैं तो यही दुआ करूंगा उस रब से, मेरी जान मेरी कामयाबी देखने के लिए तुम जिंदा रहो। अरे हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मेरी जान, लोगों का खून जलाने के लिए तो हमारा हंसना ही काफी है। मेरठ से हूँ जनाब, हर बार जरूरत नहीं है पूछने की मैं हूँ कहाँ का, और कोशिश करो मैं चुप रहूँ वरना माहौल बिगाड़ दूंगा यहाँ का। जनाब इसने गु खाना छोड़ दिया। हाँ नहीं नहीं छोड़ा, अब छोड़ दिया। मतलब पहले खाता था। अब बाबू तुम स्कूल जाते हो तो सबसे ज्यादा कौन चीज में मन लगता है, पढ़ाई लिखाई खिलाई कुदाई कौन चीज में? छड़ी पटाई बहुत मन लगता। बेबी। हाँ बेबी बोलो। काश तुम देख सकते मैं कितनी खूबसूरत हूँ। oh, no. इतनी खूबसूरत होती तो क्या आँख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ जाते? गणमरी अंधा हूँ चूतिया नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं भगवान के लिए घंटी बजा रहा। लेकिन यह घंटी कहाँ है? यहाँ भगवान भी कहाँ है? क्या आपको कभी किसी ने बताया कि आप कितनी खूबसूरत हो? नहीं यार। होती तो बताते ना। कल हमारी सेटिंग ने हमसे ये कह दिया जा ब्रेकअप। हमने भी यूँ कह दिया कि मुर्शद तेरी तो कभी जरूरत ही नहीं थी, सबसे अच्छी मुट्ठी 2 मिनट में छुट्टी। अकेले जिंदगी जीना मुझे मत सिखाना, मैं बर्बाद हो रहा हूँ तेरे जाने के बाद, सिर्फ ये सोच के तू वापस मेरी जिंदगी में मत आना। अपने अल्फाजों को तेरे मंडप से भी हसीन सजाऊंगा मैं, जो कहानी हकीकत में हुई थी उसे शायरी में दिखाऊंगा मैं। तुझे क्या लगा तो छोड़ के चली गई, बर्बाद हो गया तो चुप हो जाऊंगा मैं? बारी बारी से सबकी बारी आएगी, लेकिन मोहब्बत की उधारी सबसे पहले चुकाऊंगा मैं। जब किसी से बात करके सुकून मिलने लगे ना तो समझ लेना कि बर्बादी के बहुत करीब हो तुम। नहीं तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे। ना फ्री फायर ना कॉल ऑफ ड्यूटी और ना ही पबजी वाले खेलने में बाप है ब्रो, दिल से खेलने वाले तो आज भी अच्छे से खेलते हैं। मैं लापता हुआ, तुमने शादी कर ली? मैंने इंतजार किया था। लगता है महफिल में उतरना पड़ेगा दोबारा, कुछ लोग भूल गए हैं अंदाज हमारा। देख बेटा बात सीधी सी है, हिट होने के लिए ट्रेंड की नहीं टैलेंट की जरूरत होती है। जाने कहा पटाखों की थैली है छुपाई, मिठाई चुराई तो डांट लगाई, आज बहन ने चौखट पर रंगोली है बनाई, पापा ने छतों पर लाइटें हैं लगाई और तेरी यादों में माँ की आंखें भर आई। छोड़ो यार शहर की नौकरी, देखो आज तुम्हारे घर दिवाली है आई।